तो यार आपका स्वागत है एक और नई फ्रेशटेक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक एल्यूगा X1 के बारे में। अब ये भाई फोन जो है बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है, यानी कि 8 अक्टूबर 2018 को एक्सपेक्टेड है इसका लॉन्च इंडिया के अंदर। तो यार इस वीडियो में आप बहुत कुछ बात करने वाले हैं, यानी कि पहले स्पेक्स की बात करेंगे, फिर बाद में इसकी डिटेल्स पे जाएंगे, कुछ छोटा डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। आओ यार सभा को आरंभ करते हैं। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसर्स के मामले में। सेंसर के मामले में आपको इसके अंदर मिल जाएगा लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमेट सेंसर, एक्सलेट सेंसर, ई कंपास सेंसर, जायरोस्कोप भी। अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की तो वो भी आपको मिलने वाला है, लेकिन वो होगा रेयर माउंटेड, यानी कि पीछे की तरफ। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाए तो वो आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड 8.1, यानी कि एंड्रॉइड ओरियो। और बहुत जल्द शायद से सभी लोग बोल रहे हैं, रूमर्स भी यही आ रहे हैं कि अपग्रेडेबल होगा एंड्रॉइड 9.0, यानी कि एंड्रॉइड पाई में। उसके बाद ये होने वाला है डुअल सिम, जो कि होने वाला हाइब्रिड डुअल सिम, मेनली स्पेसिफिकली हाइब्रिड, यानी कि कार सॉर्ट के अलग से जगह नहीं होने वाली है। एक होगा नैनो सिम, एक होगा माइक्रो सिम। और उसके बाद भाई ये होने वाला है 4G फोन। देन भाई इसमें आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलने वाला है, उसकी जगह आपको मिलेगा एक USB टाइप सी, जो कि भाई अडेप्टर के साथ आएगा, यानी कि भाई उसी से चार्ज करो और उसी से गाने सुन लो। तो भाई ये एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि यार चार्जिंग के साथ हेडफोन यूज़ नहीं करने चाहिए, बहुत खतरनाक होता है। आप ये क्यों होता है मैं बताऊंगा कभी, और फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ। तो चिपसेट की तरफ आपको मिल रहा है भैया मीडियाटेक का हेलोई P60। उसके बाद ग्राफिक्स में आपको मिलने वाला है मैली G72 MP3। तो मतलब साफ तौर पर समझ में आ रहा है भाई, कोई भी गेम चलाओ उसके अंदर चल जाएगा। उसके बाद भाई प्रोसेसर के तौर पे आपको मिल रहा है ऑक्टा कोर। थोड़ा सा डीप में अगर मैं जाऊँ तो आपको मिलेगा 2 GHz क्वाड्रा कोर कॉर्टेक्स A73 प्लस 2 GHz क्वाड्रा कोर कॉर्टेक्स A53। यानी कि यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई ये होने वाला है बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ, यानी कि भाई दोनों ही प्रोसेसर ऑन एन एवरेज ही दे दिया सीधा सीधा 2 GHz की स्पीड, यानी कि ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो ये एक अच्छी बात है भाई, फोन इससे ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ है। आगे बढ़ जाता है भाई आर्किटेक्ट की तरफ, जो कि होने वाला है 64 bit। देन रैम आपको इसके अंदर मिल जाएगी 4GB की, यानी कि सीधा सीधा एक ही वेरियंट मिलेगा 4GB वाला। उसके बाद भाई डिज़ाइन पे आ जाओ तो इसमें आपको थिकनेस जो होगी इसकी होगी 7.8 mm। देन भाई विड्थ आपको मिल जाएगी 75.5 mm, और हाइट की बात करूं तो वो होगी 155 mm, और वेट जो होने वाला है वो होगा 195 ग्राम का। तो यहाँ पे अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो भाई थिकनेस इसका होने वाली है 7.8 mm, जो कि मुझे नहीं लगता ज़्यादा है, बहुत ही कम होता है भाई 7.8 mm। तो उसके बाद भाई आप किसके कलर वेरियंट्स पे जाते हैं, जो कि आपको दो मिलने वाले हैं, एक होगा डार्क ग्रे और एक होगा सिल्वर। यानी कि भाई ज़्यादा फर्क नहीं होता, मतलब होता है ऑब्वियसली, धरती अलमास का धरती आसमान का फर्क होता है, लेकिन फिर भी भाई वो ज़्यादा फर्क नहीं होता तकरीबन भाई, मतलब आपको फोन कुछ इस वेरिएंट से मिलने वाले हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आगे यार बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले टाइप की, तो वो होगा IPS LCD। अब IPS LCD यहाँ पे चीज़ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा कम दिया है इन लोगों ने, क्योंकि भाई आजकल भाई LED का ज़माना और LCD व्हाट द हेल। आगे बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन गार्ड की, जो आपको मिल जाएगा Corona Gorilla Glass Version 3, Not 4, Not Even 5, Version 3। तो ये भी एक बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है अभी के टाइम पर, लेकिन फिर भी यार इन्होंने कोरिना ग्लास एटलीस्ट दिया। काफ़ी सारे फोन्स नहीं देते हैं, लेकिन इन्होंने एटलीस्ट दिया। उसके बाद स्क्रीन टू बॉडी जो इनका रेशियो है वो बताया जा रहा है 82.14%। अब भाई ये क्या होता है, तो भाई ये होता है एक स्क्रीन से बॉडी का, मतलब एक रेशियो होता है यार, एक साइज का रेशियो होता है भाई, कितनी एरिया जो है स्क्रीन कवर कर रही है। आगे बात कर लूँ यार इसकी स्क्रीन साइज की, जो कि आपको मिल जाएगा 6.18 inches का, सेंटीमीटर में कहूँ तो 15.7 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे भी बहुत सफिशिएंट वाली बात है। आगे स्क्रीन रेजोल्यूशन पे आ जाओ तो वो आपको मिल जाएगा 1080 pixels into 2246 pixels, यानी कि भाई 2K की स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलने वाला है। लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ी छेड़छाड़ मुझे लग रही है पिक्सल्स के साथ, ये स्टैंडर्ड पिक्सल्स का एक रेजोल्यूशन नहीं है, इन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे किया। लेकिन भाई इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होता है, मतलब कुछ ना कुछ इमेज में फर्क ही पड़ता है, थोड़ी अच्छी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, इसके बारे में ज़्यादा सोचना बेकार है। उसके बाद भाई ये जो है एक्सपांडेबल होने वाली है 256 GB तक की, और साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाएगा USB OTG सपोर्ट साथ ही साथ, यानी कि आप पेन ड्राइव भी लगा पाओगे इसके अंदर, माउस भी चला पाओगे इसके अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद भाई इंटरनल तौर पे आपको मिल जाएगा इसके अंदर 64 GB, एक ही वेरिएंट 64 GB वाला। उसके बाद जो इसका इमेज रेजोल्यूशन जिस पे यार ये फोटो क्लिक करने वाला है वो करेगा हाईएस्ट 4,616 x 3,464 pixels, यानी कि सीधे सीधे 4K के रेजोल्यूशन पर ये एक इमेज को पिक कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही खास और
बहुत ही अमेजिंग है कि भाई 4K के रिजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैक कैमरा की बात करूँ तो भाई 16 मेगापिक्सल का मिलेगा। अब भाई बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं इस चीज़ को लेके, वो तो भाई 8 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को मैंने बताई थी डेट आपको, उस दिन देख ही लेंगे। उसके बाद रिजोल्यूशन की बात करूँ तो यार आपको मतलब जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर मैं मेगापिक्सल की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का, जिसका एफएचआर होने वाला है 2.0। देन भाई जो फ्लैश होने वाला वो होगा एलईडी फ्लैश, मतलब फ्रंट में भी आपको एलईडी फ्लैश मिलेगा। ये चीज डाउटेड है लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है कंफर्म ही है, तो ये एक अच्छी बात है भाई, लो लाइट में भी मस्त फोटोज खींचो। उसके बाद जो इसकी बैटरी कैपेसिटी बताई जा रही है वो होगी 3000 mAh की। तो यहाँ पे फिर से अगर मैं कहूँ थोड़ा ध्यान देने वाली, क्योंकि भाई गेम खेलते हो या कोई बड़ी ऐप यूज़ करते हो तो वहाँ पे 3000 mAh बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, पता नहीं लगता यार कब खत्म हो गई। आपने एक मैच खेला, पबजी की बात कर लो, एक मैच खेला और फ़ोन की बैटरी ख़त्म, तो ये चीज़ कंसीडर करने वाली है यार। आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर मुझे ज़रूर बता नीचे कमेंट करके। फिलहाल बढ़ता हूँ मैं ब्लूटूथ की तरफ, जो आपको मिल जाएगा 4.2। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ 4.2 तो आप सीधे सीधे सोचते हो यार ठीक है चलता है, नहीं भाई ये नहीं चलता है, 4.2 एक्चुअल में बहुत कम हो जाता है। अब भाई ये कम क्यों होता है, सब लोग ये कहते हैं भाई कम कहाँ है, ठीक तो है 4.2, नहीं यार जो आजकल फोन्स आ रहे हैं उनके अंदर आपको मिल रहा है 5.0, बट यहाँ पे आपको ये दे रहा है 4.2, तो ये चीज़ थोड़ी सी कम लगी मुझे। अब यार आपको भी इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है या नहीं मुझे बताना दीजिए कमेंट करके, कि भाई ब्लूटूथ की स्पीड ज़्यादा होना तो भाई अच्छी बात है ही। आगे बात कर लेता हूँ इसके ऊपर, अब बस यार यही इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अगर मैं डिस्कशन में आ जाऊँ तो भाई इसमें अगर मेरे को कुछ कमियाँ दिखी तो भाई वो है पहली चीज़ स्क्रीन गार्ड को लेके, जो कि है कोरिना गोरिल्ला ग्लास 3। उसके बाद भाई इसके अंदर आपको मिल रहा है IPS LCD, ये भी एक दिखने वाली बात है क्योंकि LED एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी लोग। देन यार भाई इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो 64 GB है और एक ही वेरिएंट आ रहा है, तो भाई ये चीज़ बहुत बुरी है क्योंकि भाई एक वेरिएंट, अब भाई कुछ लोगों की इच्छा होती है वो ज़्यादा रैम यूज़ करे या ज़्यादा इंटरनल यूज़ करे, तो उनके लिए भाई ये चीज़ है ही नहीं कतई भी। उसके बाद जिन लोगों को लग रहा था भाई इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 9.0 मिलेगा, तो वो भी चीज़ आपका वो सपना भी टूट गया। और उसके बाद आपको इसके अंदर 3.5 mm का जैक भी नहीं मिला, आपको सीधा सीधा USB टाइप सी दे दिया। अब ये एक तरीके से यार बुरी बात तो है ही ना, आपको एक हेडफोन के लिए अलग से नहीं मिल रहा, आपको हर बार एक अडेप्टर रखना पड़ेगा टाइप सी टू 3.5 mm। तो ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी, ये कुछ चीज़ें हैं टोटली बता रहा हूँ मैं, जो थोड़ी सी ख़राब लगी मुझे। बाकी यार आपका क्या कहना है ऊपर वो पोल में बताना वोट करके, भाई यू लव इट और यू हेट इट। और साथ ही साथ नीचे कमेंट में बताओ यार आपको क्या भाई पसंद आया नहीं आया, आपकी क्या राय है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि भाई अगर वो लेने वाले हैं बस सोच रहे हैं निकलते ले लूँ, तो भाई एक बार उनकी नज़र इसके ऊपर चली जाए और भाई उनका कुछ भला हो जाए। और साथ ही साथ यार मैं इस चैनल पर ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ, ऐसा ही बहुत कुछ काम करता रहता हूँ। अगर भाई आपको ये चीज़ें सबसे पहले सुननी पसंद है, आपको अपडेटेड रहना पसंद है इस पूरी दुनिया में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार कंसिडर तो ज़रूरी करना सब्सक्राइब करना, पसंद ना आए तो आपकी इच्छा। और उसके बाद बस जब तक मैं वापिस आता हूँ तब तक ले बाय।